भागलपुर पुलिस को तीन बड़ी सफलता मिली है, जिसकी जानकारी आज वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। पहला मामला दियारा क्षेत्र से दो कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किए जाने, जबकि दूसरा मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत सिटी एसपी मिस्टर राज के नेतृत्व में दो ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किए जाने और तीसरी सफलता कहलगांव थाना क्षेत्र में दो सिंधमार चोर को गिरफ्तार किए जाने से संबंधित है। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने विभिन्न मामले की विस्तृत जानकारी दी। भागलपुर पुलिस के द्वारा कुल तीन बड़ी सफलता आज अर्जित की गई है, और उसमें जो पहली सफलता है सबौर थाना अंतर्गत रामनगर ममलखा एक जगह है, जिसके पास में ही हम लोग के एसटीएफ का एक पिकेट स्टार्ट हुआ है विगत कुछ दिनों पहले से, और कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई। वहीं पिकेट के समीप ही गांव में एक व्यक्ति के घर में अवैध हथियार होने की सूचना प्राप्त हुई, और उसमें एसडीपीओ विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि एसटीएफ के लोग भी थे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसएचओ सबौर थे और डीआईयू टीम के प्रभारी थे, अन्य पदाधिकारी गण थे, और इनके द्वारा देर रात्रि को रेड करके वहां से दो मस्केट और कुल 9 कारतूस बरामद किया गया है, और दो कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। एक छंगीला मंडल है और दूसरे पप्पू मंडल। छंगीला मंडल के ऊपर भी तीन कांड दर्ज हैं, और जिसमें कि हत्या के कांड, रंगदारी के कांड, हत्या के प्रयास के कांड। पप्पू मंडल के ऊपर भी दो हत्या का मुकदमा पूर्व से दर्ज है, एक रंगदारी का केस है और एक हत्या के प्रयास के केस है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा दो कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, और साथ ही साथ हथियार की बरामदगी की गई है, और यह अभियान इस पूरे दियरा क्षेत्र में जो गंगा के किनारे है उसमें एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन करके भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार किया जाता रहेगा। जो हम लोग का अभियान नशाखोरी के खिलाफ, मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जारी है, उस कड़ी में भागलपुर पुलिस के द्वारा दो कुख्यात जो मादक पदार्थ के जो तस्कर हैं, जो बंगाल से ब्राउन शुगर को लाके और भागलपुर में बेचते हैं, वैसे दो अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, और इनकी गिरफ्तारी जो है 0 माइल थाना क्षेत्र से की गई है, खर्रा रोड कब्रिस्तान के पास से, और इसमें से कुल 160 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है इसमें, जिनका नाम है सुभाष यादव और गोरेलाल यादव, और इसमें सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में ये सारा इनके निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई, और इसमें डीआईयू प्रभारी मुरलीधर और सब इंस्पेक्टर सुशील और इरफान और कांस्टेबल बच्चन अभिमन्यु रजनीश और सीआईटी के कांस्टेबल सुनील, अमित और गुलशन शामिल थे। और यह नशे के खिलाफ जो भागलपुर पुलिस का अभियान विगत एक साल से चल रहा है वह आगे भी जारी होगा रहेगा। और तीसरी जो सफलता है, जिसमें कि रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास थाने को सूचना प्राप्त हुई कि एक मोबाइल की दुकान से सेंधमारी करके बड़ी मात्रा में मोबाइल की चोरी की गई है, और उसमें हम लोग की जो गश्ती पार्टी थी उन्होंने चेकिंग किया, और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई अपराधियों के किसी दिशा में भागने पर उनका पीछा किया गया, और कुल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, और 36 मोबाइल और 7 डमी मोबाइल और 9 स्पीकर्स और अन्य उपकरण की भी बरामदगी हुई है, और यह भी एक भागलपुर पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। ये पूरा कार्रवाई 2 घंटे के भीतर, घटनाकारित होने के 2 घंटे के भीतर ये सभी कार्रवाई पूर्ण की गई। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने 3 बड़ी सफलताएं अर्जित की है, और अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो हमारा अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। बिहार के रोहतास में शाहाबाद रेंज के डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल रोहतास जिले के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में जांच के बाद शाहाबाद के रेंज डीआईजी ने तत्कालीन चेनारी थाना अध्यक्ष शंभू कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शाहाबाद के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि बीते 15 सितंबर 2023 को रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के लाजी गांव से गुप्त सूचना के आधार पर काला हिरण के मांस और सिंह के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चेनारी थाना क्षेत्र के लाउजी गांव निवासी राजू बेग पिता कुतुस बेग के रूप में की गई थी। तब चेनारी के तत्कालीन थाना अध्यक्ष शंभू कुमार के द्वारा इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और न ही वरीय पदाधिकारियों एवं वन विभाग को सूचित किया गया। वहीं डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि निजी लाभ के उद्देश्य से काला हिरण के मांस की बात को छुपाते हुए गिरफ्तार अभियुक्त राजू बेग को पीआर बॉन्ड पर थाने से ही छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद इस घटना की सूचना रोहतास वन विभाग को हुई तो वन विभाग के द्वारा चेनारी थाना परिसर से ही काला हिरण का 5 किलो मांस एवं काले हिरण का सिंह बरामद किया गया। देखिए ये मामला जो चेनारी के तत्कालीन थाना अध्यक्ष शंभू कुमार टू से संबंधित है। 15 सितंबर और 16 सितंबर का ये मामला है जब काले हिरण का मांस और सिंह बरामद किया गया था उनके द्वारा, लेकिन जिस व्यक्ति को वो थाने पे गिरफ्तार करके ले आए थे उसका नाम राजू बेग है, उसको अगले ही दिन उन्होंने पीआर बांड पे छोड़ दिया था। ये मामला काफ़ी चर्चित हुआ था और इसमें बाद में एसडीपीओ के द्वारा जांच कराई गई और उसमें अन्य अनियमितताएँ भी सामने आई, उनके द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया था और जो ये पूरा मामला था ये भ्रष्टाचार करने का था। इस मामले में उनको तुरंत निलंबित किया गया और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करके उनको जो कल मेरे द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया है और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, साथ ही अपने पद के दुरुपयोग से संबंधित मामला है उसके संबंध में भी जीरो टॉलरेंस की नीति है हम लोगों की, उसी के तहत उनको सेवा से बर्खास्त किया गया। भागलपुर में जिला परिषद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के बाद दो खेमे में बट गए हैं, जिसको लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के कुर्सी जाने की संभावनाएं दिख रही है, वहीं दूसरी ओर तकरीबन 20 जिला परिषद सदस्य कुछ दिन पहले भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन पहुंचे थे, जिसको लेकर उस समय जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों की बातें सुनी थी। वहीं आज जिलाधिकारी डॉक्टर नबल किशोर चौधरी ने दोनों पक्षों को सुना और जल्द निर्णय लिए जाने की बात कही। आज के बैठक में फिर डीएम साहब ने जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था उसी के आदेश पर आज बैठक हुई, इन्होंने सबकी उपस्थिति लिया, जो आगे की फिर प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करेंगे। क्या लगता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्षी साबित कर पाएंगे? अब विपक्षी तो अभी आप लोग ही बता सकते हैं, आपके माध्यम से रोज पेपर में न्यूज में डेली चल रहा है ना, समझे? हमको ये पता नहीं कि आदमी को आरोप लगाना सही बात है ना, आरोप किसी पर लगा सकता है, लेकिन उसको साबित करना कितना सही तो विपक्षी बताएंगे। हम लोग तो नियम कानून को मानने वाले हैं, नियम से चलने वाले हैं और समझे ना, इसलिए जो नियम संगत होगा वो करेंगे। डीएम साहब पर पूरा भरोसा है, नहीं समझे? और जो सही होगा, दूध का दूध पानी का पानी, तो उस दिन भी बोले थे कि आदमी आरोप लगा दिए हैं, एक भी साबित कर देना। हम तो सरकार से आज भी मांग कर रहे हैं कि हाउस ट्रेडिंग का मामला है, इसको सरकार पूर्ण रूपेण खत्म करे, अविश्वास का मामला जैसे और सब जगह हुआ नगर परिषद में, नगर निगम में, उसी तरह प्रखंड में और जिला परिषद में, इसको सरकार से मांग करते हैं इसको समाप्त कर देना चाहिए। और इस बातों को यहाँ से लेकर के मैं सदन तक पहुँचाऊंगा अपने माध्यम से, अपने विधायक सांसद जी के माध्यम से, कि भाई इसको खत्म कर दिया जाए। अभी दे रहे थे हम लोग को 16 तारीख का, लेकिन वो जो गौरव रहा है बार बार वो कुछ ना कुछ ला करके दे देते हैं डीएम सर को डिस्टर्ब करने के लिए। ये राजनीति में हमेशा डिस्टर्बे करने का काम किया है, ये उचित नहीं है। हम डीएम साहब बोले हैं कि 11 बजे कल 11:30 बजे तक हम डिसीजन डेट का दे देंगे। इसमें निश्चित रूप से दो पक्ष हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज बैठक बुलाई है, बैठक बुलाया था और उसमें अधिकतम सदस्य उपस्थित थे। दो सदस्यों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था और एक सदस्य नहीं उपस्थित थे, जिनके रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बताया गया कि वो कहीं रास्ते में है। और इसमें दोनों पक्षों से रिप्रेजेंटेशन आया है, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रिप्रेजेंटेशन आया है, दूसरा जो इनके विपक्षी थे उन्होंने अपना एक लीगल फ्रेमवर्क में एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम इसमें विद्वान सरकारी अधिवक्ता से ओपिनियन लेंगे और उसके अनुरूप में फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे।
भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार के पैतृक आवास में अज्ञात अपराधियों के द्वारा लाखों रुपए की डकैती में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसको लेकर आज डॉक्टरों ने भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण ने कहा कि अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घोघा में हमारे ऐसे चिकित्सक जो बिल्कुल नए मेंबर हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, बहुत बेहद ब्रांच है, शाखा है पूरे हिंदुस्तान में, 10 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर्स इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। एक ऐसे मेंबर जो अपना कैरियर अभी शुरू कर रहा है, उसे घर में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए और वो भी उस समय जबकि अपने परिवार के साथ वो वहीं पे रह के सेवा दे रहा है और साथ साथ मायागंज अस्पताल में भी अपनी नियमित रूप से सेवा देते हैं। ये आई में बहुत ही आक्रोशित है। अभी आपने जस्ट मेरे पहले सुना हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष आई में डॉक्टर संदीप प्रसाद लाल को आई में पुरजोर रूप से भत्सना करता है। इस तरह के दुर्घटना और भावपूर्ण जो भी दुर्घटनाएँ होती हैं हमारे चिकित्सक वर्ग के साथ, मैं तमाम पत्रकार बंधु से, तमाम दर्शकों की ओर से और प्रशासन की को भी मैं आगाह करना चाहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले का उद्भेदन यथाशीघ्र हो। यथाशीघ्र जितने भी 8 से 10 जितने लोग गए थे इस मामले में, इसको अंजाम पहुंचाने उनके घर में घुसे थे, उनकी गिरफ्तारी हो और इस पे रोक लगे और प्रशासन हम चिकित्सकों को प्रोटेक्शन ऐसे दें कि भविष्य में इस तरह की दुर्भावपूर्ण दुर्घटनाएं ना हों। भागलपुर समाहरणालय के सामने आज बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जुलूस लेकर पहुंची, जिसमें डायट सत्र 2022-24 के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल थे। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने जिला अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विरुद्ध नारेबाजी की। प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि पहले शिक्षा विभाग के द्वारा BSc के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त महीने में घोषित की गई थी, लेकिन अब अचानक कई न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर इसकी परीक्षा की तिथि फरवरी में बताई जा रही है। एलेट के प्रशिक्षु हैं सत्र 22-24 के, हम लोग अपना ये बात रखना चाहते हैं सरकार से कि हम लोग जो जिस सत्र में एडमिशन लिए हैं 22-24 में, हमारे के पाठक सर जो ACS हैं महोदय हैं, उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों को BPSC TRE 3 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें शामिल किया जाएगा। आप लोग आश्वस्त रहिए, आप लोगों को शिक्षक भर्ती परीक्षा की तीसरे चरण में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन अभी अचानक एकाएक क्या फैसला आता है कि ये परीक्षा अगस्त में ना हो करके, जो कि BPSC अपना कैलेंडर जारी की थी कि 24 अगस्त को हर साल परीक्षा होगी BPSC की शिक्षक भर्ती की, वो एकाएक अचानक फैसला बदल जाता है रातों रात। और हम लोगों को तमाम मीडिया से, न्यूज़ चैनलों से खबर पता चलती है कि ये परीक्षा मार्च में होगी। अब ये बताइए हम लोगों को कि मार्च में जब परीक्षा होगी तो हम लोगों का तो अभी करियर अधर में लटक जाएगा। हम लोग इस परीक्षा में शामिल होने का सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं सरकार से और माननीय ACS महोदय से, जो वादा किए थे हम लोगों से, उनको अपना वादा पूरा करने के लिए बोल रहे हैं हाथ जोड़ करके कि वो अपना वादा पूरा करें और इस भर्ती परीक्षा में हम लोगों को शामिल होने का अधिकार दे। किया गया था कि TRE 3 जब होगा तो ACS सर ने कहा था कि वो हमें मौका देंगे और हमारा एग्ज़ाम जो है, जो DLED का सेशन हम लोगों का ख़त्म होता है, वो जुलाई में होता है और उसके बाद ये BPSC TRE 3 आयोजित होने वाला था, जो कि 24 अगस्त को होने वाला था, बट उसमें हम लोगों को मौका मिल जाता। लेकिन अब ये अचानक से जो फैसला हुआ कि ये मार्च में एग्ज़ाम दिया जाएगा तो हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हम बस इतना ही निवेदन करते हैं कि ये हम सबको BPSC TRE 3 में मौका दें और या तो फिर ये इस एग्ज़ाम को जैसा पहले निर्धारित किया गया था 24 अगस्त को, तो उसी में कंडक्ट कराएं। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है।
है तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkueledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा आज परमंडल स्तरीय प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं तिलका मांझी कृषि भवन में प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में दर्जनों किसानों ने अपने उपजाए फल, सब्जी और फूलों की प्रदर्शनी लगाई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भागलपुर कई क्षेत्रों में आगे है, जिसमें खास तौर पर जरदालू आम और कतरनी चूड़ा शामिल है। प्रमंडलीय स्तरीय प्रदर्शनी है, इसमें कई किसानों को सम्मानित भी किया गया है। मैंने अपने अधिकारियों को 3-4 दिशा निर्देश दिए हैं, जो जिसमें इस प्रदर्शनी में कृषि विभाग के भी अधिकारी हैं, साथ ही वैज्ञानिक भी हैं और उद्यान विभाग के भी हैं, उद्यान विभाग के भी अधिकारी जो है लगे हुए हैं। मैंने यही कहा है कि भागलपुर काफ़ी पुराना जिला है और ये कॉमर्शियल एक हब रहा है। इस कॉमर्शियल हब में हम अपने किसानों का इस तरीके से प्रमोशन करें और किसानों से को हम इस तरीके मदद करें, जैसे मशरूम उत्पादन है, केला का उत्पादन है, फल उत्पादन है, सब्जी का उत्पादन है, उसको इस तरीके से किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम किसानों की मदद करें कि जिसके इनकम यदि 10,000 प्रति माह है अभी, उसको हम 15,000 पे कैसे ले जाएं, 20,000 पे कैसे ले जाएं, इसका मैंने कहा कि प्रोजेक्ट बनाइए ताकि एक किसान को लाभान्वित कर सके। दूसरा, सबौर हमारे पास यहाँ यूनिवर्सिटी है जिसका काफ़ी नाम है, वहाँ के वैज्ञानिकगणों से मिल करके किसानों को हम प्रशिक्षण दिलाएं और यहाँ एक भागलपुर का एक टैग मार्क दें कि मेड इन भागलपुर या पैकेज्ड इन भागलपुर, इस टाइप से हम प्रमोट करें ताकि यहाँ के किसानों को, यहाँ के आमजनों को काफ़ी लाभ मिल सके। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में मां शाकंभरी परिवार समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि 9वीं वार्षिक जयंती महोत्सव 3 फरवरी यानी शनिवार को 3 बजे से धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद छापोलिका एवं महासचिव मुरलीधर शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में मैया की अद्भुत श्रृंगार, 56 भोग, अखंड ज्योति पूजन एवं भजन संध्या के साथ साथ नृत्य नाटक का भव्य आयोजन होगा। ये उद्देश्य हम लोगों का एक धार्मिक आयोजन है, जिस आयोजन को मां शाकंभरी परिवार समिति भागलपुर लगातार 9 वर्षों से करती आ रही है। इस आयोजन में कल 3 फरवरी शनिवार को 2 बजे से मैया की अखंड ज्योति शुरू होगी, जो इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से कलाकार लोग शिरकत करने आ रहे हैं, धनबाद से, प्रयागराज से, अजमेर से, सिकंदराबाद से और भी अनेक जगह के कलाकार एवं स्थानीय कलाकार लोगों
आपकी यहाँ कल प्रस्तुति होगी। ये आयोजन शाकंभरी माता पे आधारित है। अखंड दरबार, अखंड ज्योत माता की जलेगी, फूलों से सिंगार, भव्य सिंगार होगा और बहुत से समाज के लोग, लगभग अगल बगल क्षेत्र के लोग, भक्त सारे इसमें आएंगे, मैया का प्रसाद ग्रहण करेंगे। कल मैया का ये जन्मोत्सव उत्सव है जिसको हम लोग बड़े ही धूमधाम से मिलकर के मना रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के जरिए हम लोग माँ शाकंभरी परिवार समिति, हम लोगों का ये संस्था है और इसके द्वारा हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि माता के भक्त यहाँ भागलपुर में भी, आसपास के क्षेत्रों में भी, बल्कि पूरे भारतवर्ष में मैं कहूँगा और विदेशों में भी काफी भक्त हैं और उनका ये जो आयोजन हो रहा है उसमें वो सम्मिलित हों और माता के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करें और साथ ही यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है इसमें प्रसाद भी है और नृत्य नाटिका भजन के जो है नामी कलाकार सब पूरे हिंदुस्तान से कई जगह से आ रहे हैं जिसमें वो अपने भजन की गायकी प्रस्तुत करेंगे और नृत्य नाटिकाएं भी कई होंगी। तो लोगों का जो है भगवान के प्रति, माता के प्रति उनकी भक्ति और बढ़ेगी और अन्य लोगों में भी जो है इसकी भक्ति बढ़े और इसका चाव बढ़े। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन समेत पुलिस पदाधिकारी और इलाके के लोग मौजूद रहे। समारोह में अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह, राजेश शुक्ला, जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार, एसआई सूरज कुमार समेत कई लोगों ने डॉक्टर गौरव कुमार के कार्य और व्यवहार पर प्रकाश डाला। वहीं समाज सेवियों एवं पुलिस अधिकारियों ने डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को बुके देकर सम्मानित किया। बता दें कि डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार अपने कार्यकाल के दौरान कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में कामयाब रहे, साथ ही उन्होंने बालू माफियाओं पर भी अंकुश लगाने का काम किया। वहीं समारोह में उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज थाना से ही उनकी पुलिसिंग शुरू हुई है। देखिए, जो मेरा जो है पहला जो पुलिसिंग का पहला एक्सपीरियंस जो है वो सुल्तानगंज से स्टार्ट हुआ। मुझे याद है कि मार्च 2021 के समय मैं यहाँ पे आया था और पहला मेरा जो थानेदारी था SNSHO वो सुल्तानगंज से स्टार्ट हुआ। तो उत्तर वाहिनी गंगा के लिए जो है सुल्तानगंज जाना जाता है और हमारे लिटरेचर में और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो गंगा माता है जैसे ही वो उत्तर होती है, मतलब अपने उद्गम स्थल जहाँ से उत्पत्ति होती है, जैसे मूर्ति है गंगा माता तो उनकी पूजा होती है, उसी तरीके से सुल्तानगंज मेरे लिए एक उत्पत्ति स्थल है मेरे पुलिसिंग के लिए और मैं सुल्तानगंज को प्रणाम करता हूँ। इसीलिए आज मैं सुल्तानगंज आया और ये बहुत ज़रूरी भी था कि यहाँ के लोगों से मैं मुखातिब हूँ और यहाँ के लोग जो हैं उनसे बहुत मोहब्बत मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला। तो इस विश्वास को, प्यार को, मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए आज मैं यहाँ पे आया और यहाँ के पुलिसिंग के कारण ही मैं कजरेली में पुलिसिंग कर पाया, यहाँ के लोग के सपोर्ट के कारण ही मैं फिर लॉ एंड ऑर्डर DSP मैंने अच्छा काम कर पाया और यहाँ पे अजगैबीनाथ की कृपा है कि मैं ये सब कर पाया। ये भूमि जो है पावन है तो यहाँ पे आके आज मैं बहुत भावुक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने सुल्तानगंज के मेरे परिवार हैं जहाँ पे भी मैं रहूँ वो मेरे से टच में रहें, मेरे से मिलने आए और जब भी मैं यहाँ से गुजरूंगा इस पावन धरती से तो हमारी जो जनता है उनसे मैं मिलता रहूँगा, जो मेरा परिवार है मैं उनसे मिलता रहूँगा। कठिन दौर सर क्या रहा सुल्तानगंज में, कब ऐसा कुछ कठिन दौर मिला आपको? देखिए, कठिन दौर चुनौतियाँ मुझे मिली सुल्तानगंज में, लेकिन सुल्तानगंज का एक सबसे बड़ा जो मुझे लगा कि यहाँ के लोग जो हैं पुलिस फ्रेंडली है। बस आप अगर सुल्तानगंज की जनता का विश्वास आप जीत लेते हैं तो यहाँ पे जो है क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो जीरो तक चले जाते हैं। तो कठिन दौर था, यहाँ पे कुछ लूट की घटना घटी थी तिलकपुर में, उसके साथ साथ एक बच्चे को गलती से मतलब उसका इंतकाल हो गया था गोली चलने से, कुछ ऐसे ऐसे इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ की जनता इतनी सपोर्टिव थी हमने सारा कुछ जो है उसको निपटारा कर दिया। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंगारी गांव में हो रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजक महंत जी नवल गुरु एवं ग्रामीण के सहयोग से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा जगदीशपुर स्थित जगदीश्वर नाथ महादेव मंदिर के चंद्रकूप से जल भरकर
501 महिलाओं एवं युवतियों द्वारा जगदीशपुर भवानीपुर अंगाड़ी मोड़ होते हुए कथा स्थल तक पहुंची।